गाइज ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि मेरे आई 15 के साथ एक काफी ज्यादा शॉकिंग चीज हुई है जो मुझे आपको बताना है एंड मे बी आप अगर एक नया आई 15 लेते हो तो आपके साथ भी ये हो सकती है गाइज काफी टाइम के बाद एप्पल ने एक्चुअली ये जो छोटी सीरीज है ना इसके ऊपर कुछ अपग्रेड किए आई फोन इलेवन के बाद ही आईफोन फिफ्टीन सीरीज एक्चुअली ये पहले फोन है जो मुझे पिछले साल के फोन से थोड़े से अलग दिख के आ रहे हैं ये आई फोन फिफ्टीन को हमने यूज कर लिया है पंद्रह से बीस दिन यस ये एक सेकेंड हैंड फोन था हमने इसको सस्ते में लिया बट लास्ट पंद्रह बीस दिन से काफी अच्छे से रगड़ रगड़ के यूज़ किया है एंड कैसे आप इसको सस्ते में ले सकते हो इसके हमने एक वीडियो बना लिया। आप हमारे या नहीं करता है सबसे पहले तो थैंक यू एप्पल हमको टाइप सी देने के लिए बॉक्स के अंदर आपको प्रॉपर टाइप सी टू सी केबल मिलता है और सबसे अच्छी बात अब केबल आपको ब्रेडेड मिलती है वो लंगड़ी लुली लाइटनिंग केबल नहीं मिलती है जो एक दो महीने के बाद फट जाती थी और फिर से सत्रह अठारह सौ की नई केबल

पतले केसेस है कैमरा को प्रॉपर प्रोटेक्शन देते हैं केसेस में बटन प्रोटेक्शन तो दिया है अगर आपको केसेस केसे के बटन नहीं पसंद आते तो उनको भी आप रिमूव कर सकते हो क्यों? क्यों हाँ जो, जो काम दो हर काम को ये अच्छे से कर लेगा ये एक का फोन है आप अगर ट्वेल्व भी उठाकर उसको यूज करोगे ना वहाँ भी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी ये डेफिनेटली हमें फर्क देखने मिलता है एक तीन साल चार साल पुराने आईफोन है एंड्रॉइड के बीच में और भाई एक आईफोन बहुत अच्छा टैप्टिक मोटर अच्छी स्पीकर क्वालिटी नेटवर्क रिसेप्शन में कोई इशू नहीं फाइव प्रॉपर चल रहा है जियो के ऊपर टेस्ट किया एयरटेल के ऊपर टेस्ट किया अच्छी फाइव जी स्पीड आ रही थी उसके बाद यहाँ पे कैमराज भी देखोगे अगेन इंप्रूवमेंट हुआ है आई फोन फोर्टीन से एंड एक्चुअली आपको प्रो प्रो मैक्स के टाइप का कैमरा मिल जाता है फोर्टी एट मेगा पिक्सल का कैमरा है यहाँ पे ट्वेल्व मेगा पिक्सल का अल्ट्रावाइड है कैमरा में इम्प्रूवमेंट हंड्रेड परसेंट मिलेंगे आपको आप चौबीस मेगा पिक्सल में बाई डिफॉल्ट फोटोज ले सकते हो जो सही में बहुत ज्यादा शार्प है अच्छी डिटेलिंग मिल जाएगी आपको इतना ज्यादा ऑफकोर्स सैचुरेशन नहीं मिलती आईफोन के फोटोज में तो आप अगर एंड्रॉइड आईफोन पे आ रहे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा विविड मोड ऑन कर लेना आप अच्छी मिल मिलेगी थोड़ी सी अगर आपको विविड कलरफुल में पसंद आएगी बाकी course, एक बहुत अच्छा कैमरा है बहुत अच्छा पोर्ट्रेट लेता ले है अच्छा yes, तो एंड इस प्राइस में यस yes, मैं जानता हूँ एंड्रॉइड दे देते दे इसका कोई जूम इतना बुरा नहीं अगर आप थोड़ा बहुत जूम कर भी लेते हो तो आपको अच्छी फोटोज मिल जाएगी अल्ट्रॉइडेफिने एक चीज मुझे अच्छी लगती है यहाँ पे जो मेन कैमरा है अल्ट्राइड कैमरा है इन दोनों के बीच में कल काफी बैलेंस किया कलर शिफ्टिंग ज्यादा नहीं होती है एंड एक चीज मैंने ये देखी जब आप मेन कैमरा से अल्ट्रा स्विच करते हो एक बहुत ही माइनर सा जर के है उसके बीच में मे सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू आगे जाके छोटी सी चीज सॉल्व हो जानी चाहिए ये चीज बेस्ट वीडियो आपको देता है फोर के सिक्सटी एफ पी एस आपको मिल जाएगा अच्छे हाईलाइट कंट्रोल के साथ बहुत ज्यादा अच्छी डिटेल्स डीटेल स्टेबिलाई साथ में एक्शन मोड सब कुछ आपको मिल जाता है जो आपको एक अच्छे प्रो वाले आईफोन से चाहिए ऑलमोस्ट सारे फीचर्स यहाँ मिल जाते हैं बस एक टेलीफोटो लेंस छोड़ के ये एक आईफोन Pro के जैसा कैमरा है तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा लगा है मुझे उसी के बाद बैटरी लाइफ भी डेफिनेटली है मतलब मैंने किया है थर्टी भी है छह से, वैसी वैसी से, से सात घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से मिल जा रहा है एंड अगर आप फिफ्टीन प्लस लेते हो तो वहाँ पे दो घंटे स्क्रीन ऑन टाइम आपको इजिल और ज्यादा मिल जाएंगे अगर आपकी प्रायोरिटी बैटरी है देन मैं आपको बोलूंगा प्लस की तरफ चले जाना बट वहा नब्बे हजार के फोन के पास आप चले जाओ वहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है वो मेरे हिसाब से

के पास कोई भी नया आईफोन है एंड आपके साथ ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तो भाई ये फोन मुझे ओवरऑल कैसा लगा सच बताओ तो मेरे लास्ट पंद्रह बीस दिन की में मुझे ऐसे कोई मेजर बग दिखा नहीं जो मुझे आपको बताना ही चाहिए बस वो कैमरा का जैसे मैंने आपको बताया स्विचिंग में हल्का सा जेटर है बहुत माइनर सा वो तो मैक्सिमम लोगों को समझ भी नहीं आया क्योंकि मैं एक रेगुलर थर्टी प्रो मैक्स यूजर हूँ इसलिए मुझे वो फर्क दिख रहा है बाकी डेफिनेटली फोन तो अच्छा है एंड सिक्स के साथ मेरे हिसाब से आप जी लोगे इतना बड़ा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है मैं थर्टीन प्रो मैक्स से जब इसके ऊपर आया शुरुआत के तीन से चार दिन मुझे लगे सेटल होने में अब मुझे इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है हालांकि डिफरेंस समझ में आ जाता है बट इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। ये चीज आपको याद रखनी है एंड पैसे बचाने इसको पर, तो हमारी वीडियो जरूर देख लेना ऊपर कार्ड में मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना तो